नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है। यहाँ देख सकते हैं अशोक कुमार जी ने कमेंट किए हैं कि सर जी पेज मेकर में हिंदी मंगल फॉन्ट नहीं चल रहा है। उसके बाद और भी इन्होंने दो तीन बार और फॉन्ट इन्होंने कमेंट किया है। देखिए यहाँ पे, सर जी ये जो क्वेश्चन मार्क ऐसे आता है जब टाइप करता हूँ। उसके बाद आपने पहले भी बताया था लेकिन नहीं हुआ था। सर जी पेज मेकर में हिंदी फॉन्ट नहीं चल रही है, बहुत कोशिश कर ली, प्लीज़ आप बताओ। तो मैं सबसे पहले अशोक कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया है। तो आप यह जानना चाहते हैं कि पेज मेकर में हिंदी मंगल फॉन्ट नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर हिंदी मंगल फॉन्ट आप पेज मेकर में यूज़ कर रहे हैं तो जनरली क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जब मंगल फॉन्ट टाइप करते हैं, ये देखिए मेरा पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ जब भी आप हिंदी मंगल फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं और टाइप करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैं खुद टाइप करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे, हाँ अब मैं यहाँ पे देखिए हिंदी चूज़ किया हुआ है, मेरा पहले से लिया हुआ मंगल फॉन्ट। अब जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ, देखिए आप देखिए लिखा है मैंने इस पर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए इस तरह क्वेश्चन मार्क आ जा रहा है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, और आप हिंदी लिखना ही चाहते हैं पेज मेकर के अंदर, कैसे हिंदी लिख कर लेकर आएंगे, मैं आपको तरीका बताता हूं। तो सबसे बेस्ट और आसान तरीका मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है लीप ऑफिस 2000, जिसमें आप हिंदी लिख सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ हिंदी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कीबोर्ड दिया हुआ है, यहाँ बहुत ही ईजी वे में आप यहाँ सैम्पल वर्ड भी दिया हुआ है, यहाँ तरीका भी दिखाया गया है कि कैसे आप टाइप कीजिएगा, और सब कुछ दिया हुआ है। प्लस अदर्स लैंग्वेज भी है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट में मैं जाता हूँ, लैंग्वेज में जाता हूँ, यहाँ देखिए इतने सारे लैंग्वेजेस है, हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, पंजाबी, बहुत सारे लैंग्वेज है। जिस भाषा में भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप लीप ऑफिस 2000 का इस्तेमाल करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने हिंदी लिख रखा है, देखिए आपका पत्र मिला, तो यहाँ देखिए जो फॉन्ट इस्तेमाल किया गया है हिंदी के लिए लीप ऑफिस में वो DVTT योगेश है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँगा इस तरह और राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी करूँगा। उसके बाद ये मैं पेज मेकर में जाता हूँ, देखिए मेरा एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। ये मैं राइट क्लिक किया, इसे थोड़ा सा एक्चुअल साइज कर दिया। उसके बाद हैंड टूल से मैं थोड़ा पेज को जरा एडजस्ट कर लेता हूँ और टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया। उसके बाद एक एरिया इस तरह मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। करने के बाद अब थोड़ा सा इसका, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा फॉन्ट मैं इसका बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप देख सकते हैं। उसके बाद एडिट में जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए आपका पत्र मिला, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट कर गया, देखिए आपका पत्र मिला, हिंदी यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लीप ऑफिस में गया मैं, आप कैसे हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये लीप ऑफिस में देखिए पहले से मैंने टाइप करके रखा है ताकि मेरा हिंदी में का स्पीड उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आप कैसे हैं हिंदी में लिखा हुआ है, इसे मैं लीप ऑफिस में पहले से टाइप कर लिया है। उसके बाद एडिट में जाता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। उसके बाद मैं पेज एडोबी पेज मेकर देखिए खुला हुआ मेरा, यहाँ पे लाके सिंपली राइट क्लिक करके सिर्फ मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। देखिए पेस्ट, आप कैसे हैं, देखिए यहाँ पे आ गया। फिर अगर दूसरा टेक्स्ट अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आपको प्रणाम यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, इसको राइट क्लिक किया, उसके बाद इसे क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया। ये लीप ऑफिस में, ध्यान से देखिए लीप ऑफिस में हिंदी लिखा हुआ है। उसके बाद पेज मेकर में जाता हूँ, उसके बाद एक एरिया सिलेक्ट किया इस तरह मैंने, एक एरिया सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ एडिट में जाऊँगा, पेज मेकर में से मैं पेस्ट कर दूँगा। देखिए ऑटोमेटिकली आपको ना फॉन्ट चेंज करना है, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपका जो हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा पेज मेकर के अंदर। और यहाँ पे देखिए DVTT योगेश, यहाँ आपको कंट्रोल पैलेट जो एडोबी पेज मेकर का कंट्रोल पैलेट जो फॉन्ट का बॉक्स है वहाँ, ये देखिए फॉन्ट भी शो कर रहा है DVTT योगेश। ये देखिए मेरा एडोबी पेज मेकर के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे आ गया।
तो इस तरह आप बेस्ट, यही मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप हिंदी कुछ लिखना चाहें तो आप लीप ऑफिस का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ आप हिंदी टाइप कर लीजिए ईज़िली, आप आसानी के साथ, जिसे टाइपिंग नहीं भी पता है वो लोग भी आसानी के साथ लीप ऑफिस में हिंदी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से टाइप करने के बाद आप एडोबी पेज मेकर के अंदर ले जा सकते हैं। तो मैं अशोक जी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह आप लीप ऑफिस का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ से टाइप कीजिए, उसके बाद इसे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए एडोबी पेज मेकर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदी फॉन्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को मैं आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ kindly लाइक करें, शेयर करें, और अगर नहीं अच्छा लगा तो कम से कम डिसलाइक कीजिए। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, आपका भी कुछ प्रॉब्लम है एडोबी पेज मेकर से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरा ये ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।